पिछले दिनों के पन्ने पलटकर ये देखने की कोशिश करी कि मेरे जीने का ढंग क्या है, मैं किस तरह की आदतों के साथ जीता हूं, बार बार वही चीज रिपीट करता रहता हूं, तो कहां सुधार की गुंजाइश है। तो इसमें परिवर्तन लाइए। दूसरी बात सबको जो ध्यान रखना चाहिए, एक तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, ये आदत बनाओ, और मन को शांत रखना, ईश्वर में विश्वास, और कर्मयोगी बन के जीना। कर्मयोगी जो कर्मशील है, स्वालंबी, अपने पर भरोसा करके अपने काम खुद करना, ये नवाबी आदतें छोड़नी चाहिए सबको। कि नवाब साहब को अंग्रेज पकड़ने के लिए आ गए, अवध के नवाब थे ना, जब किला घेर लिया गया और अंग्रेजों ने घेरा डालकर उस नवाब को पकड़ लिया, तो अवध के नवाब को पकड़ने के बाद जब वो उनको कह रहे थे कि जेल चलिए, अब आपको अंदर बैठाएंगे, तो जाने लगे बेचारे। तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूछ लिया कि नवाब साहब, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, आप भागना चाहते तो भाग तो सकते थे ना। बोले, नहीं, हम भाग तो सकते थे और हमने इरादा भी कर लिया था और तैयारी भी पूरी कर ली थी, ऐन मौके पे वो कमबख्त भाग गया नौकर जिसने हमको जूते पहनाने थे, बस वो नहीं आया। अगर वो उस समय मिल जाता तो फिर तो हम भाग जाते। अंग्रेज ऑफिसर ने कहा, अब आपको जूते पहनने हम सिखाएंगे, लेके गए। इतने बड़े नवाब मत बनो भाई, पानी का गिलास भी कोई लेकर आए, हर चीज कोई दूसरा लेकर आए, अपना रुमाल तक भी खुद घर में ना ढूंढ पाए, हर बात के लिए चिल्लाते रहे, पत्नी को आवाज देते रहे। अपना कार्य जब खुद करने वाले बनते हैं ना, स्वयं सेवक, स्वालंबी, तो यहीं से कर्मयोग शुरू होता है आपकी जिंदगी में। और जो कर्मयोगी होते हैं उनका शरीर भी साथ देता रहता है, उनकी हिम्मत भी साथ देती रहती है, स्फूर्तिवान बने रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना, आपकी स्पीड कम हो जाती है, गति कम हो जाती है, और अगर आप कर्मयोगी बने हुए हैं तो यह ध्यान रख लेना कि आपकी गति उसी तरह से तेज बनी रहेगी। पुराने लोगों के, आप महान पुरुषों के वीडियो अगर देखें, वो 70-75 साल की एज में भी वैसे दौड़ते हुए नजर आते हैं, तो दिखाई देता है ना, एक कर्म योद्धा जीवन जी रहा है। तो जो लोग सुबह अपने संकल्प के साथ में अपनी एक्सरसाइज, अपने प्राणायाम वगैरह करते रहते हैं, और विचार सकारात्मक और खुश रहने की आदत, और निराश अवस्था में अपने आप को जल्दी से संतुलित कर लें, और जब कोई ज्यादा परेशानी हो तो दुनिया के आगे आंसू ना दिखाकर अपने भगवान के आगे ही अपने आंसू प्रकट करें, और फिर उससे आशीर्वाद लेकर काम में जुट जाएं, तो निश्चित ही सारे काम बनते चले जाते हैं। तो आप इस चीज के साथ में अगली बात और याद कर लीजिए, वो है कि आपको गुण ग्राहक बनना है, आलोचक नहीं, निंदक नहीं, हर समय दूसरों की कमियां निकालने वाली आदत नहीं बनानी चाहिए। जहां जाएं हर एक जगह से कुछ ना कुछ गुण ग्रहण कर लीजिए। जब आप कुछ गुण ग्रहण करते हैं, हर जगह से कुछ सीखते हैं, तो जिंदगी कीमती बननी शुरू हो जाती है। और जब आप निंदक बन जाते हैं तो दूसरों की जिंदगी और उसका मूल्य कम हो ना हो, आपका मूल्य तो गिर ही जाता है। इसलिए किसी को भी ये आदत नहीं पालनी चाहिए कि जहां गए वहीं जा करके कमियां निकालनी शुरू कर दी, दोष देना शुरू कर दिया। और इसी के साथ में एक चीज होती है जो किसी भी व्यक्ति को बड़ा बनाती है, वो है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। जीवन का कोई लक्ष्य बनाकर उसके अनुसार जीवन जीना।
तो कुछ बड़ी बात सोच के चलिए तो आपकी बीमारियां भी पीछे छोड़ जाएंगे, आपकी दुर्बलता हट जाएगी। ऐतरीय उपनिषद में इतरा के पुत्र ऐतरीय ऋषि के बारे में वर्णन आता है कि वो बीमार रहते थे और उन्होंने सोचा कि अब जैसे चिकित्सक लोग कहते हैं अब आगे उम्र नहीं बची, फिर भी उन्होंने भगवान के आगे संकल्प किया कि मेरी 16 साल की उम्र है लेकिन मैंने 100 साल तक चलने वाला यज्ञ पूरा करना है, कि भगवान आपने मेरा यज्ञ पूरा कराना है। तो सुबह सुबह उठकर यज्ञ करते थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उन्होंने संकल्प किया 16 साल की उम्र थी और जब उनका शरीर छूटा 116 साल के थे और उसी दिन पूर्णाहुति की और उसी दिन शरीर पूरा हुआ। ये हिंदुस्तान के एक ऋषि की कहानी है। मतलब अगर आप कोई बड़ा संकल्प लेकर उसमें जुट जाते हैं तो बीमारी का भी पता नहीं लगता कहाँ चली जाती है, आपके संकल्प पूरे होने लग जाते हैं। तो किसी उद्देश्य के साथ में जिंदगी जीनी चाहिए। तो अर्जुन ने जो कहा भगवान कृष्ण से कि आपकी कृपा का परिणाम ये हो गया कि मेरा मोह तो नष्ट हो गया, अब मुझे खुद की याद आ गई कि मैं क्या हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं कि कीमती होता है जीवन का वो दिन जो आपका जन्म का दिन है, पर उससे भी कीमती दिन वो होता है जब आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तब आप कीमती बनते हैं। तो जब आप खुद की पहचान बना लेते हैं मैं दुनिया में इसलिए आया हूं, उसे करना शुरू कर देते हैं। और नहीं कुछ समझ में आए तो फिर आप ये ध्यान रखिए अपने गुरु के साथ जुड़कर उनके उद्देश्यों के साथ अपना उद्देश्य बना लीजिए, उसके बाद आपकी जिंदगी भी कीमती बननी शुरू हो जाएगी। किसी न किसी बड़े काम के साथ खुद को जोड़ लेना, बड़े काम के साथ जोड़ लेंगे तो बड़प्पन आना शुरू हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को खुद की पहचान बनानी है। कृष्ण से अर्जुन आगे ये भी कहते हैं स्थितोस्मि, अपने आपे में स्थित हो गया हूं। अभी तक डावाडोल था, आज से डावाडोल वाली स्थिति मेरी खत्म हो गई है, क्योंकि भगवान की कृपा से, भक्ति से, ज्ञान से व्यक्ति अपने आप में स्थिर होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी से, अपने घर में गीता रखिए और हर दिन 2 पेज जरूर पढ़ो, 2-2 पेज पढ़ना शुरू कर दीजिए और जो उसमें लिखा हुआ है वो पढ़ें तो समझें कि यही भगवान का आज का आदेश है। और जब वो आदेश संदेश आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपकी जिंदगी कीमती बननी शुरू हो जाती है। आप गीता को ऐसे समझें कि कृष्ण भगवान सामने बैठे हैं, वही बोल रहे हैं। गीता को जब पढ़ेंगे और खुद को अर्जुन बना लीजिए और जैसे अर्जुन को सफलता मिली, जीत मिली और साम्राज्य मिला, समृद्धि मिली, यश मिला, उसी तरह से आपके जीवन में भी सफलताएं आएंगी, कृपा होगी। हर एक के घर में गीता होनी चाहिए और सुबह आलस्य छोड़ के थोड़ी देर के लिए पढ़ने की आदत बना लें, और जब आदत बना लोगे तो कृपा जरूर होगी। और आगे जैसे अर्जुन ये कहता गत संदेह, मेरा संदेह नष्ट हो गया, डाउट नष्ट हो गए। ये जो तरह तरह के संदेह हमारे अंदर आते हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ज्यादातर लोगों को कमी होती है, वो निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय न कर पाना जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। रत्न टाटा एक बात कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप जो निर्णय लेते हो तो आपके क्या निर्णय सारे सही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो निर्णय लेता हूं, अगर गलत भी ले लिया तो बुद्धिमत्ता पूर्वक उस गलत निर्णय को भी सही बना लेता हूं और अपनी जिंदगी को कीमती बना लेता हूं, पर निर्णय जरूर लेता हूं।
उनके जीवन की बात याद आ रही मुझे। हिंदुस्तान में टाटा कंपनी ने ब्रांड के रूप में अगर नाम लिया जाए तो टाटा का नाम है, और इस रूप में जमशेदजी टाटा से शुरुआत करें और रत्न टाटा तक की बात करें, तो उस व्यक्ति का उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं इस व्यासपीठ से कि उदाहरण देने लायक व्यक्ति है। एक समय ऐसा आया, उन्होंने अपनी एक गाड़ी बनाई थी, इंडिका या इंडिगो क्या कंपनी थी ना एक, तो वो कार उनकी सफल नहीं हुई और वो अमेरिका में डेट्रॉइट में जाकर के फोर्ड के पास बात करने गए कि मैं कंपनी बेचना चाहता हूं अपने, और वो भी क्या, वो जो कार वाली कंपनी थी उसे बेचने के लिए चले गए। अब फोर्ड ने 2 घंटे तक उनके साथ बातचीत की और बातचीत करने के बाद में एक शब्द बोल दिया, बोले ठीक है हम आपके ऊपर एहसान करेंगे, आपकी कंपनी खरीदेंगे, लेकिन जब आपको कंपनी कार बनानी नहीं आती, चलानी नहीं आती, तो आप ऐसे झंझट में पड़ते क्यों हैं? जब आपको अक्ल नहीं है तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। सारी बात वहीं खत्म हो गई। रतन टाटा ने अपने मैनेजर से कहा कि उठो वापस चलते हैं, होटल में वापस आए। और वापस आने के बाद उन्होंने अपने आदमी से कहा कि सब कल सवेरे के फ्लाइट पकड़कर इंडिया में वापस जाते हैं, इनके साथ में हम कोई संबंध नहीं रखेंगे और कोई समझौता नहीं करेंगे। पूरा सब कुछ तय हो गया था, बस वो जो स्वाभिमान को छेड़ दिया ना उसने, फोर्ड ने, उसको सुनते ही सब कुछ छोड़ के वापिस आ गए और पूरा दिमाग लगाया उन्होंने, अपनी कंपनी को फिर से ऊपर उठाया, अपनी गाड़ी को बहुत अच्छा बनाया और उनकी गाड़ी फिर चल पड़ी, कंपनी चल पड़ी। कंपनी चल पड़ी तो एक टाइम ऐसा आया कि फोर्ड कंपनी का मालिक उनसे फोन करके कहता है कि मुझे टाइम चाहिए इंडिया में, मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं। आए, बोले आपकी कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हो गए, आपकी कंपनी बहुत आगे चली गई, अब मैं अपनी 2 गाड़ियां बेचना चाहता हूं, एक तो रेंज रोवर और एक दूसरी गाड़ी और थी, बोले मैं बेचना चाहता हूं। रतन टाटा ने कहा ठीक है हम खरीदना चाहते हैं। कहां तो पहले वो बेचने गए थे और अब ये हुआ कि फोर्ड अपनी गाड़ियां और अपनी कंपनी बेचने के लिए उनके पास आए। उन्होंने कहा ठीक है आपकी दोनों कंपनियां मैं खरीदता हूं। खरीदने के बाद उन्होंने कहा आपने मुझे कहा था कि मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूं और आप पर एहसान करता हूं, अब मेरी यही बोलने की बारी है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, कल आपका वक्त था आज मेरा वक्त है, लेकिन इसका मतलब अकड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा बहुत आदर से मैं आपकी कंपनी का अधिग्रहण करता हूं। अब एक डूबी हुई कंपनी 2 कारों को खरीदने के बाद पूरे हिंदुस्तान में यह हुआ कि ये चला नहीं पाएंगे, और रतन टाटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से इतना अच्छा वो दोनों गाड़ियां चलाई कि उसके बाद उन्हीं दोनों कारों ने उनका नाम सबसे ऊपर कर दिया। एक तो शायद जैगवार कंपनी थी, एक रेंज रोवर थी, 2 कारें जो हैं हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। तो सवाल यह है कि निर्णय तो हर किसी को लेना होता है, लेकिन निर्णय लेने के बाद पूरी ताकत उसमें लगा दो, वही चीज आपको आसमान पे बैठा देती है। और मौके हर किसी के जीवन में आते हैं, इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं दृढ़ निश्चय लेकर, वैचारिक शक्ति को प्रबल बनाकर, सकारात्मक विचार पॉजिटिव थिंकिंग ये रखकर के अगर आप चलेंगे जीवन में हर कुछ प्राप्त कर लेंगे। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच का साथ अगर हम लेना चाहते हैं और सच्ची बात बताना चाहते हैं
तो उसके लिए उदाहरण भी सच्चा होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सत्य के पक्ष में खड़े हैं ना। इसलिए मुझे इतिहास से कुछ बातें सुनानी पड़ती हैं, इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। ये सब इसलिए कि खुद को भरोसा हो सके, जब दुनिया में ऐसा घटा है तो मैं भी ये कर सकता हूं। तो आप सबके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-4710-4610-28-34-5656 और 28-34-47-67, टोल फ्री नंबर 1-800-11-8188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।